gentlemen, so finally I'm taking my freestyle to Nathula, and you know, pass sab nikal gaya, sab kuch ho gaya. Abhi bas 9 baj rahe hain, 9:14 ho raha hai abhi, and third mile ka check post abhi cross karenge. Wahan pe jama ho jayega and wahan se nikal jayenge. Mausam thoda kharab hi lag raha hai yaar. I just hope wahan pe clear out ho jaye sab kuch. Baki everything is cool. All I want is a good weather so that I can enjoy this drive. अभी तक की चढ़ाई में बहुत मजा आ रहा है फ्री स्टाइल में. आई जस्ट होप एंड मेरा गोप्रो चल नहीं रहा है, सो गाइस थोड़ा कोऑपरेट कर लेना इसमें. चलो हम मिलते हैं. फाइनली आई क्रॉस द चेक पोस्ट, कोई इश्यूज नहीं हुआ, सब कुछ बढ़िया था. बस मौसम थोड़ा खराब लग रहा है गाइस, एंड गाने में चला इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि ना कॉपीराइट लग जाता है यार, फिर ना इरिटेशन हो जाती है बिना अपने मेहनत पे यार फालतू के कॉपीराइट लग जाना, मतलब कलंक वाली चीज हो जाती है. गाड़ी में बाय द वे मैंने एक्स्ट्रा प्रीमियम वाला डाला है पेट्रोल, एंड गाड़ी की पिकअप आई डोंट नो बहुत तगड़ी लग रही है मेरे को इसके बाद, एंड 1700 किलोमीटर के बाद ही मैंने डाला है ये वाला फ्यूल. अच्छा यार, इट्स रियली गुड. एंड गाड़ी में ना आपकी फॉग लैंप्स होनी चाहिए, एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, मेरे को आज ही पता चला. दो मेरे गाड़ी में है, इसमें सब कुछ ही है, बट अगर किसी के पास नहीं है तो गाइज वो लगवा के ही आए. And it is recommended that your car should be more than 1100cc minimum. And अगर BHP का angle समझा सकते हैं तो समझा सकते हैं आप, otherwise आपको रोक सकते हैं पुलिस as per the weather condition and road conditions, आप कुछ नहीं कर सकते. Do I have an army pass? So इसमें कुछ issue नहीं हुआ, but civil passes में issue कर सकते हैं अगर गाड़ी आपकी 1200cc से कम हो या कुछ type की ऐसी हो तो. डीजल गाड़ी है तो कोई इशू नहीं है, आप लोग आराम से एंजॉय कर सकते हैं इसको. सो फाइनली आई हैव टेकन द न्यू रूट. उधर से पीछे से सामने अगर चले जाते तो पुरानी वाली रोड है, वो थोड़ी शॉर्ट है बट स्टीप बहुत है. खैर आप चढ़ने तो वाले 14000 फुट पे ही हो, भले इधर से जाओ उधर से जाओ, ये अच्छा वाला रोड मैं रिकमेंड करता हूँ सबको. सो गाइस इसी में से जाए, अच्छे से जाए, सेफली ड्राइव करे, रास्ता बहुत अच्छा है, ओवर स्पीडिंग ना करे. And guys, freestyle में मजा बहुत आ रहा है. And this car is actually treat to drive, guys. मजा आता है. Traction control मैंने on रखा है अभी for the safety reasons. Because पता नहीं कब क्या पानी आ जाए, कुछ आ जाए. बर्फ तो है नहीं, but अगर बर्फ वर्फ भी आ जाए तो traction control ही take care of it. हल्की सी अगर snow flakes flakes आ जाए तो. Because 1 degree temperature में fog बहुत है. So as I said कि अपने इसमें आपके fog lamps होना बहुत ही जरूरी है guys. फॉग लैम्प्स नहीं होगा तो यू गाइज विल हैव ए टफ टाइम. फॉग लैम्प्स कंटिन्यूस ऑन रखे विद दैट लो ब्लिंकर लाइट ऑल्सो, एंड अगर बहुत ही एक्सट्रीम केस हो तो आपके हैजर्ड लाइट्स भी ऑन कर दें. दो उसका मीनिंग कुछ और होता है हैजर्ड लाइट्स का, बट इंडिया में अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग भी कर ही सकते हैं दिखाने के लिए कि ठीक है, दैट वेदर इज नॉट दैट कूल, सो इट्स ओके. कार को मैं थर्ड गियर में पुल कर रहा हूँ. The car is asking for fourth gear. As you all can see, there is an Innova 2.5 liter, and this is 1.2. Conquering the terrain amazingly. So, guys, I stopped for a while. थोड़ी picture खींचनी पड़ती है गाड़ी की, and वो picture हो गया, and आपको दिखा देता हूँ जगह कैसी है. देखो इतनी अमेजिंग सी जगह है ये. अब नेक्स्ट टाइम से मेरा GoPro होपफुली आ जाएगा, उसमें आई थिंक कोई अपडेट वाली प्रॉब्लम होगी है कोई, सो वो होके ठीक हो जाएगा तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा. ऐसे भी आई गेस आप लोगों को प्रॉब्लम होगा नहीं, आई एम मैनेजिंग द रोड इज प्रीटी एम्प्टी, सो आई कैन रिकॉर्ड ऑन माय फोन ऑल्सो, एंड सब कुछ बढ़िया जा रहा है. मौसम भी ठीक है, बस बारिश ना हो. थोड़ा बहुत रस्ते में लैंडस्लाइड थी, बट माई फ्रीस्टाइल डिड परफेक्टली यू नो वेल इन दैट करंट सिचुएशन. अच्छा खासा पानी था. इसकी ग्राउंड क्लियरेंस इज 190 mm, सो इट्स प्रीटी बेस्ट इन द क्लास. एन अमेजिंग पावर, आई एम ड्राइविंग अ थर्ड एंड फोर्थ गियर. अमेजिंग, भाग रही है, रुक रही है, अच्छे से ट्रैक्शन कंट्रोल काम कर रहा है, एंटी रोल ओवर प्रोटेक्शन भी काम कर रहा है. आई कैन टेक टाइट टर्न्स एट अराउंड 80 km/h इन दिस हिल्स, एंड देर इज नो सेंस ऑफ यू नो इनसिक्योरिटी कि मेरी गाड़ी पलट जाएगी या मैं सेफ नहीं हूँ.
सो गाइज चॉइस इज योर्स, यू गाइज आर कस्टमर्स, आई एम गिविंग रियल फीडबैक। मेरे को किसी फोर्ड ने पैसा नहीं खिलाया, किसी कंपनी ने पैसा नहीं खिलाया। दिस कार इज वर्थ, इट्स बैंग ऑन। सो गाइज डिसाइड वेल बिफोर परचेजिंग एंड पुटिंग अप योर हार्ड अर्न मनी ऑन समथिंग। सो गाइज डू स्टे ट्यून्ड, एंड अभी ये वीडियो कंटिन्यू हो रही है, अभी नेक्स्ट वाले पार्ट में मिलते हैं। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams. So guys, I'm approaching Changu Lake. Yeh upar wo rope wala hai, red wala jo aap building dekh rahe ho upar. I had YY. And guys, do come in this small restaurant. This is very nice. जो इनके ओनर है बहुत ही, यू नो, दे गेव मी अ वार्म वेलकम, बहुत ही प्यारा है, इतने रेट्स आर रीजनेबल। दिस इज जोंगो विलेज, छांगो विलेज वही समझ लीजिए आप। चलो अब ऊपर चला जाए। All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were... So the climb has started for Nathula Pass. आई थिंक ऊपर जाके 5 डिग्री तो हो ही जाएगा, बहुत ठंड लग रहा है। एक सेकंड, मैं ग्लास ऊपर उठा लेता हूँ यार। यार दीज डॉग्स मैन, दीज गाइज हैव अमेजिंग स्टैमिना गाइज। यार साले क्या भाग रहे हैं भाई ये लोग, फुट फ्री स्टाइल के साथ भाग रहे हैं भाई ये लोग, अमेजिंग यार। यहाँ पे गाड़ी पार्किंग हो जाती है, बट हम तो ऊपर तक जाएंगे। सो दिस इज द बेसिकली पार्किंग। यप, फाइनल चढ़ाई नथुला पहुंच गए। विल बी रीचिंग द मेन गेट। फॉग में कुछ नहीं दिख रहा है दोस्तों, ये थोड़ा सा दिख गया होगा। ठंड में फट रही है यार, ज़्यादा ही ठंड है भाई। फोटो लेना मन है यार। सो नाउ लीविंग अंथला पास, अच्छे से दर्शन हो गए, बट लक खराब था यार, इतना फॉग शॉग हो गया इधर। Descending, नथुला हो गया घूमना यार। वेदर बहुत ही खराब हो गया, ठंडा बहुत हो गया अभी। टेम्परेचर देखते हैं, रुको एक बार, कितना है, 9 डिग्री है, ऊपर 6 डिग्री कुछ था। जो भी है यार, इट वॉज नाइस यार। बेसिकली यू गाइज माइट बी थिंकिंग, मैंने बहुत सारे नथुला व्लॉग्स बना दिए एक्चुअली, इतने बार क्यों आता हूँ। एक्चुअली मेरे को ड्राइविंग करना पसंद है या राइडिंग करना पसंद है इस रस्ते में, ठीक है। ऐसा कोई मतलब खास अट्रैक्शन मेरे को अब नहीं लगता, बिकॉज इतने बार मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। हाँ ऑफ कोर्स, जो फर्स्ट टाइमर्स है, सेकंड टाइमर्स है, उनके लिए अट्रैक्शन होगी
एंड जो एडवेंचर लवर्स हैं उनके लिए रास्ता भी बहुत मतलब अमेजिंग होगा उनके लिए. सो वो लोग आ सकते हैं यार, आप लोग आ ही सकते हो. बट मैं तो बहुत बार आ चुका हूँ, बट ये रास्ता मेरे को बहुत पसंद है. यू नो आर गवर्नमेंट इज एक्चुअली वर्किंग डे एंड नाइट फॉर ऑल दिस मैन. 34 किलोमीटर्स पर डे रास्ता बन रहा है इंडिया में, एंड दैट इज एक्चुअली समथिंग यू नो ग्रेट, जो जिंदगी में नहीं हुआ है. बट गाइज ड्राइव सेफ ओके. मैं यहाँ पे बहुत बार आ चुका हूँ इसलिए मेरे को सारे रस्तों का कॉर्नर शॉर्नर कहाँ खड्डा है कहाँ क्या है सब कुछ याद है मुझे. बट अगर आप लोग फर्स्ट टाइमर्स हैं, अभी तो फिलहाल इस तारीख अगस्त तक तो कोई सिविलियंस आर नॉट अलाउड ऊपर, ठीक है. आप लोग बाइक में जा सकते हैं, बट अगर आना है तो अक्टूबर तक आइए, तब तक थिंग्स विल बी बिट चिल. कोरोना के चीज़ भी थोड़ा हो जाएगा एंड डबल वैक्सीन लगा के आओ यार, वरना फालतू का झमेला रैड टेस्ट करो, ये करो, फलाना ढमकाना करो, सब कुछ करके आओ आराम से, ठीक है. अभी सेकेंड वैक्सीन जब तक नहीं लगाते हो तब तक ना जान आपकी छुटकारा नहीं मिलेगा जान को. तो गाइज आराम से ये सब करके ही आओ. सो वी आर इन बाबा मंदिर. दैट इज जनरल सगत सिंह. It is again made by my dad, and even that Shiva statue is again made by my dad, like 2-3 years back. Traction control, ARP, ESP, everything is on, man. And please don't try this at home, guys. मैं बार-बार बता रहा हूँ, I have come to these kind of places a hell lot of times, so I know what kind of road it will be in front of me, and what kind of tarmac it will be. So, guys, don't try to copy me. आप लोग अपना safely drive करें. ये गाड़ी की थोड़ी potential भी आप लोग देख ले यहाँ पे, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा बहुत करके. बाकी जस्ट रिलैक्स्ड ड्राइविंग ज़्यादा मज़ेदार है. मैं अभी तक वही कर रहा था, थोड़ी बहुत अभी तेज़ चला रहे थे, दैट्स ऑल गाइज, ठीक है. इसलिए तेज़ कभी नहीं चलाना है, सेंसिबली ड्राइव करनी है, दैट्स इट. वो हमारी मोटो होनी चाहिए. इन दिस फॉग, नो, इन दिस काइंड ऑफ डेंस फॉग, यू हैव टू ड्राइव स्लोली यार, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन. कितने भी अच्छे ड्राइवर हो जाओ, राइडर हो जाओ, फॉग के टाइम पे कभी भी जोश में होश नहीं खोना है गाइस. कुछ नहीं पता चलता कि लाइक रोड मुड़ रही है या सीधी है, ये तो दिख रहा है थोड़ा थोड़ा. अभी इसके पहले और डेंस फॉग था. अगर किसी के गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल है तो प्लीज उसे ऑन करके ही चलाएं, क्योंकि पहाड़ के रोड क्या होता है ना, कभी कभी अप डाउन हो जाती है, मतलब अलाइन नहीं होता तो जंप कर जाती है गाड़ी. तो उस टाइम पे यू गाइज विल हैव ए टफ टाइम इफ यू हैव केप्ट योर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ. यार मेरे गाड़ी में तो एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक, वाइपर से लेके एवरीथिंग, हेडलाइट वाइपर, रियर वाइपर्स, एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक गाइज. बहुत ही हैसल फ्री एक राइडिंग एक्सपीरियंस, ड्राइविंग एक्सपीरियंस हो जाता है मेरे गाड़ी में फ्री स्टाइल में, एंड यार मुझे बहुत ही बेहतरीन लगता है. एंड यार एक चीज़ बता देता हूँ, जो जो नए फ्री स्टाइल खरीदी है जिसने पेट्रोल या डीजल जो भी हो, 2000 तक इसको स्मूथ रनिंग करें, एंड 2000 नहीं कर पाएंगे तो 1000 तक मिनिमम करें, एंड आफ्टर दैट इसकी इंजन ऑयल आप चेंज करें 1000 के बाद, सो दैट आपके अंदर की जितनी भी डस्ट पार्टिकल जितनी मेटल स्क्रीच्ड होती है ना अंदर, वो सारी पार्टिकल ऑयल चेंज में निकल जाए, सो दैट आपकी इंजन एक हेल्दी लाइफ लीड करे आगे. तो सो दैट नो यू गाइस कैन यूज इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, रिलायबिलिटी इश्यूज ना हो, ठीक है. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हाउ यू मेंटेन ए व्हीकल. टोयोटा को भी आप दो साल में ही खत्म कर सकते हो अगर आप वाहियात की तरह उसको चलाओगे, ठीक है. फोर्ड को भी आप दो साल में खत्म कर सकते हो वाहियातों की तरह चलाओगे. तो थोड़ा रेस्पेक्ट दो अपनी व्हीकल्स को, थोड़ा मेंटेनेंस करो अच्छे से, गाड़ियाँ बढ़िया चलेंगी यार, कोई प्रॉब्लम आज तक होती नहीं है और ना ही होगी, ठीक है. ये सारी गाड़ियों के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ मैं फोर्ड